मुरैना में जलागढ़ के माध्यमिक विद्यालय में भोजन में भारी अभियंता पाई गई। यहां बच्चों को भोजन थालियों में नहीं बल्कि बड़ वृक्ष के पत्तों पर रखकर खाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तुलसीदत्त शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। तुलसीदत्त जी, सवालों के घेरे में मिड डे मील योजना, लेकिन उससे पहले स्कूल प्रशासन, इस पर क्या कहेंगे आप? स्कूल प्रशासन एक और कतई ध्यान नहीं दे रहा है सर। हम जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो हमने देखा कि बच्चे मध्याह्न भोजन एक झुंड बनाकर इकट्ठा हो रहे थे, तो रसोइयों के द्वारा पर्याप्त भोजन भी नहीं बनाया जा रहा था। विद्यालय प्रभारी जनक गौड़ जी, जो प्रधान अध्यापक है जलालगढ़ हाई माध्यमिक विद्यालय के, उनसे हमने बात करना चाहिए तो वो सटीक जवाब नहीं दे पा रहे थे। तुलसीदत्त जी, क्या स्कूल में थालियां नहीं है? अगर है तो फिर बच्चे बड़ के वर्क्स पर भोजन रखकर खाने को क्यों मजबूर है? सर, बच्चे थालियां तो विद्यालय में मौजूद है, लेकिन बच्चों का कहना है कि थालियां हम लोगों को ही साफ करनी पड़ती हैं। जो रसोईया जो रखे हैं वो थालियां साफ नहीं करते, इसलिए हम बढ़ के पत्तों पर ही भोजन करते हैं। जो थालियां जो प्रशासन ने उपलब्ध कराई है विद्यालय को, वो साफ नहीं होती सर। दो दो तीन तीन दिन वही पड़ी रहती है। अगर किसी बच्चे ने थाली में भोजन कर लिया तो वो थाली वही हेडपंप के पास या जहाँ पानी की व्यवस्था है वहीं पर पड़ी रहती है सर। तुलसीदत्त जी, क्या स्कूलों में बर्तनों के लिए पैसा नहीं आया? अगर आया तो फिर वो कहाँ गया? विद्यालय में प्रशासन के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है जी, लेकिन जो विद्यालय प्रभारी होते हैं जी, वो उस पैसे को उस राशि के नाम से तो आरहित कर लेते हैं बैंक से, लेकिन उसका उपयोग उस राशि, जैसे बर्तन के लिए जो पैसा आया उसका उपयोग बर्तन खरीदने में नहीं करते हैं सर। शुक्रिया तुलसी, आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।